हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास डी एम्पलीफायर का सर्किट बताने जा रहा हूँ। और इस क्लास डी एम्पलीफायर में फ्रेंड्स जेड 44 एन का यूज़ होगा। मेरे पास काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे कि क्लास डी एम्पलीफायर बताइए जिसमें कि जेड 44 एन का यूज़ हो। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैं जेड 44 एन का क्लास डी एम्पलीफायर लेके आया हूँ। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें यह है कि इसमें सिंगल सप्लाई का ही यूज़ होना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें मैं कवर करूंगा क्लास डी एम्पलीफायर क्या होता है, और उसके बाद में कॉयल के बारे में बताऊंगा कि सिंपल आसानी से बनने वाली कॉयल हम कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद में बोनस टिप मैं आपको दूंगा। बोनस टिप में ये होगा कि फ्रेंड्स, क्या कारण है कि हमारा क्लास डी एम्पलीफायर अगर हम बना भी लेते हैं तो वो ढंग से नहीं चलता या आवाज़ अच्छी नहीं आती। तो इन तीनों चीज़ों को मैं आप इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लास डी एम्पलीफायर क्या होता है। फ्रेंड्स, क्लास डी एम्पलीफायर कुछ लोगों को गलतफहमी है, डिजिटल एम्पलीफायर होता है। डिजिटल एम्पलीफायर नहीं होता। क्लास डी एम्पलीफायर में सिंपल फंक्शन होता है, जैसे यहाँ एक कंपैरेटर आईसी है LM393 में। फ्रेंड्स, ये भी एक तरह का ओपीएम जैसा ही होता है, लेकिन ये ऑडियो में जनरली यूज़ नहीं होता। जैसे 4558 है, 741 है, यानी 5532 है, TL072 है, 71 है, लेकिन ये ज़्यादातर इन्वर्टर सर्किट में और चार्जर सर्किट में, इस तरह के सर्किट में वहाँ यूज़ होता है। तो इसमें दो कंपैरेटर होते हैं, तो इस सर्किट में हम एक कंपैरेटर का यूज़ कर रहे हैं। LM393 में दो कंपैरेटर होते हैं, तो एक का हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये हमने ली है 555 आईसी, और इससे हम एक फिक्स फ्रिक्वेंसी बना रहे हैं। फ्रेंड्स, क्लास डी एम्पलीफायर दो तरह के इस टाइम अवेलेबल है, या दो तरह के बनते हैं। एक सेल्फ ऑसिलेटिंग क्लास डी एम्पलीफायर होता है, और एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होता है। यानी कि सेल्फ ऑसिलेटिंग में क्या होता है कि इस सर्किट को आप देखिए, यहाँ से हम एक फीडबैक लेते हैं। यहाँ से सेल्फ ऑसिलेटिंग में आप कभी भी देखेंगे तो जो कॉयल होती है उसके आउट से यहाँ से हम एक फीडबैक लेते हैं, और वो कंपैरेटर आईसी में जाता है, उससे फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है कॉयल के थ्रू। लेकिन इस सर्किट में ऐसा नहीं हो रहा है। इस सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, ये फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं एक अलग सोर्स से, जो कि हम 555 से यूज़ कर रहे हैं। और इसमें भी थोड़ा सर्किट अलग है, क्योंकि 555 की तीन नंबर पिन आउट होती है, तो यहाँ से हम आउट नहीं ले रहे हैं। हम एक ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर है BC557, उसको लगा के, और ये जीरो डायोड और ये बायसिंग लगा के हम फ्रिक्वेंसी यहाँ से ले रहे हैं। और ये यहाँ से एक कैपेसिटर है 220 PF का, यहाँ से फ्रिक्वेंसी हमारी जनरेट हो रही है, और यहाँ से हम पिन नंबर दो पे हम फिक्स फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं, जो लगभग 250 से 300 kHz की फ्रिक्वेंसी है। और यहाँ से तीन नंबर पिन पे हम ऑडियो एम्पलीफायर है, छोटी सी आईसी होती है LM386, लगभग 1.25 watt की आईसी होती है। तो यहाँ से हम ऑडियो एम्पलीफायर, छोटा सा ऑडियो एम्पलीफायर बनाया हुआ है, उससे हम तीन नंबर पिन पे इन दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऑडियो की फ्रिक्वेंसी की ये शेप इस तरह की होती है, और हाई फ्रिक्वेंसी की शेप ये इस तरह की हो जाती है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि दोनों ये फ्रिक्वेंसी इस ओपेम, ये इस कंपैरेटर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, मिक्स होने के बाद में ये जो दो मॉस्फेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो हाई फ्रिक्वेंसी पे ही स्विच करते हैं, और स्विच करते हैं ऑन और ऑफ कंडीशन में। यानी कि अगर इन मॉस्फेट को हम ऑडियो की तरह, यानी कि सिंगल सिंपल ऑडियो की तरह अगर इसको कॉन्फिगर करें या बायसिंग करें, तो हमें यहाँ रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी और बायसिंग सर्किट एक लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हम इनको पूरी तरह से आउटपुट इनकी हमें नहीं मिल पाएगी। अगर क्लास डी एम्पलीफायर में हमें 80-90% इससे हम आउटपुट ले सकते हैं, तो अगर क्लास ए बी में अगर इनको कॉन्फिगर करेंगे तो हमें लगभग 30-40 या 50% तक आउटपुट हमें इसकी मिल पाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में ये बायसिंग करनी पड़ती है। तो एक बहुत ही छोटे से एरिया में ही
ये स्विचिंग कर पाते हैं ऑडियो के लिए। लेकिन जब हाई फ्रिक्वेंसी पे इसको हम ऑन और ऑफ करवाते हैं तो एक बहुत बड़े एरिए में ये स्विचिंग कर देते हैं, लगभग 90% एरिए में हम स्विचिंग कर देते हैं, तो इसमें लॉसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला स्टेज होता है कि यहाँ पर हमने हाई फ्रिक्वेंसी ले ली थी और उसमें ऑडियो भी मिक्स थी, तो इसको एक कॉइल के थ्रू और एक कैपेसिटर के थ्रू हम जो हाई फ्रिक्वेंसी थी उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, और उसके बाद में जो आउट मिलती है हमें वो ऑडियो आउट मिलती है, फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारी फिल्टर हो जाती है। तो सिंपल क्लास डी एम्पलीफायर का ये डेफिनेशन है जो मैंने बताई है, और मैंने बताने की कोशिश की है और आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स सर्किट देख लेते हैं हम, ये यहाँ से 555 आईसी ये ली है, इससे हम फिर फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं दो नंबर पे LM386 में फ्रेंड्स 8 पिन होती हैं, इसमें 3 नंबर पिन, 2 नंबर पिन ग्राउंड है, 3 नंबर पिन इन है, 6 नंबर पिन 5 पोर्ट, 4 नंबर पिन ग्राउंड है, इसी 5 नंबर आउट है। तो इसमें फ्रेंड्स 1 नंबर पिन, 7 नंबर पिन, 8 नंबर पिन खाली छोड़नी है, और ये सबसे लो गेन पे हमारा काम कर रहा है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप ये प्रीसेट एक देख रहे हैं 50 के का, यहाँ एक वॉल्यूम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो इसका ऑडियो है वो हम यहाँ जो इनपुट में ऑडियो जा रहा है उसको हम सेट यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ हम स्पीकर में ऑन करके देख लेंगे और जहाँ भी साउंड हमारी बिल्कुल ठीक मिलेगी, क्योंकि यहाँ से ये मिक्स हो रहा है तो इसका जो लेवल है वो यहाँ से हमें फिक्स करना पड़ेगा, तब हमें आउट बिल्कुल ठीक मिलेगी। इस तरह के जो फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी वाले जो फ्रेंड्स क्लास डी एम्पलीफायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बल्कि उसके सेल्फ ऑसिलेटिंग क्लास डी एम्पलीफायर के मुकाबले, क्योंकि सेल्फ ऑसिलेटिंग क्लास डी एम्पलीफायर में फ्रेंड्स जैसे जैसे हम आउटपुट पे लोड डालते जाते हैं या साउंड बढ़ती जाती है, आउटपुट में जो फ्रिक्वेंसी मिलती है वो टोटली डिपेंड करती है इस कॉइल पे। तो जैसे जैसे इस पे लोड पड़ता जाता है और इससे आउटपुट लेते जाते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज होता रहता है, और उसके कारण ही सेल्फ ऑसिलेटिंग में जो क्लास डी एम्पलीफायर में फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है या जो आउटपुट मिल रही है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है, और जब ये कॉइल गर्म हो जाती है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इसमें, और ये फिर उस कंडीशन में अनस्टेबल हो जाता है सर्किट। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में ये फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट काफ़ी स्टेबल रहते हैं, तो अगर उसको देखा जाए तो ये सर्किट काफ़ी सही माना जाता है। अब बात करते हैं ये लास्ट में जो आईसी है CD4011, फ्रेंड्स ये जो कर रही है ये जो आईसी है ये एक और दो नंबर शॉर्ट है, ये फ्रेंड्स नैंड गेट होते हैं, इसमें 40 CD4011 में नैंड गेट होते हैं। अगर आपने गेट पढ़े हो तो एक एंड गेट होता है एक नैंड गेट होता है, तो वो ये गेट है। ये फ्रेंड्स आईसी इसलिए लगाई गई है जैसे कि यहाँ से हमें फाइनल आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, तो हमने ये एक नैंड गेट लगाया और नैंड गेट लगा के हमने इसको दे दिया, इसके गेट पर चला गया IRF Z44N। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक MOSFET पे हमें जो सिग्नल मिल रहा है दूसरे MOSFET में जो सिग्नल मिलेगा वो हमें एंटी फेज चाहिए, यानी कि एक सिग्नल MOSFET पे हमारा ये मिल रहा है और जो दूसरा सिग्नल हमें मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। तो एक MOSFET जो ऊपर वाला है वो इस पे काम कर रहा है ऐसे इस कंडीशन में काम करता है, और जो दूसरा है वो एंटी फेज होता है। तो एंटी फेज बनाने के लिए हम ये दो गेट यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हमें एक सिग्नल को डिवाइड करने के लिए एक ये सिग्नल है और ये एंटी फेज है। ठीक है, उसके लिए हमें ये आईसी का यूज़ करना पड़ा है। तो CD4011 आईसी है, इसका 14 नंबर पिन पॉजिटिव है जो कि 5 वोल्ट का है, और 7 नंबर पिन इसका ग्राउंड है। तो फ्रेंड्स ये 3 आईसी हैं हमारी, 4 आईसी हैं 555, LM393, CD4011 और LM386। फ्रेंड्स इसके लिए हमें एक 78.5 आईसी लगा के और इन चारों आईसी को हमें 5 वोल्ट देने हैं, और ग्राउंड तो है ही है। दूसरा जो IRF Z44N है उसके लिए हमें 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इसको हम सप्लाई दे सकते हैं, और एक 78.5 लगा देंगे तो इन सब आईसीयों को हम उससे सप्लाई दे देंगे। अब आ जाती है फ्रेंड्स कॉइल की बात कि
कि कॉयल हम कौन सी यूज़ करें। ये फ्रेंड इस तरह की कॉयल मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताई हुई है, ये ETD 39 है। ठीक, तो ये एक कोर का नंबर है। अगर आपके पास EE 33 आती है या EI 33 आती है उसको ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी पुराने टीवी की कोर पड़ी हो तो उसको आप खोल लें। खोलने का तरीका मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से बता दूं कि उसको आप पानी में उबाल लें कम से कम आधा घंटा, तो वो आसानी से आपकी खुल जाएगी। और उसमें आपको 18 नंबर गेज के लगभग 20 टर्न आपको उसमें तार लपेट देना है, 20 टर्न। और ये जो आप गैप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको लगभग 1 से 1.5 mm का उसमें गैप रखना है। और गैप करने के लिए, गैप देने के लिए आपको एक PCB का टुकड़ा या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, PCB का टुकड़ा लगा देंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक का टुकड़ा ये काफ़ी कोर गर्म हो जाती है तो वो पिघल सकता है। तो इसके बीच में आप डाल के कोई सा भी ग्लू या LFE टाइप हो आपके पास वो आप डाल दें, तो आपकी ये कोर सही काम कर जाएगी। क्योंकि वैसे फेरेट कोर आती है या टोरोडल कोर आती है तो फ्रेंड्स उसका मिलना बहुत मुश्किल है, और जो मटेरियल उसका होता है उसका भी कहना मुश्किल है, वो किस टाइप का मटेरियल है और वो कैसे काम करेगा और उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, तो ये सोचने वाली बात है। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम बोनस टिप पे। ये क्लास डी एम्पलीफायर बनाते हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, उसमें दिक्कत आती है या कुछ लोगों का बन ही नहीं पाता। ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा सर्किट काम करने लगे। फ्रेंड्स देखिए, जो मैं ये कोर दिखा रहा हूँ, अलग अलग टाइप की कोर होती है, मटेरियल में अंतर होता है। आप कितनी भी अच्छी कोर ले लें, लेकिन जिस तरह आप LED देखते होंगे कि आप अगर ग्रीन LED या किसी भी कलर की LED लेके जाएं और उसके बाद में दोबारा किसी और लॉट की आप LED लेंगे तो उसमें अंतर आता है, उसकी कलर में अंतर आ जाएगा, आप कुछ भी कर लें अंतर आ जाएगा। उसी तरह ये कोर मटेरियल होता है फेरेट कोर का, जो नॉर्मल आयरन कोर की या EI कोर की जो होती है उसका नहीं, फेरेट कोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोर मटेरियल में अंतर आ जाता है, तो उससे फिर आपकी फ्रिक्वेंसी में अंतर आ जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा कि ये जो 0.33 कैपेसिटर आप देख रहे हैं, इसका नंबर होता है 33330N और इसका नंबर है, इसका जो वैल्यू होती है 0.33 माइक्रो फेरेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप चेंज करके देख लें, 0.47 माइक्रो फेरेड, या इसको आप 105 भी लगा के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको, या फिर 0.22 माइक्रो फेरेड, तो फ्रेंड्स ये इस तरह की आप चेंज करके आपको देखना ही पड़ेगा। क्योंकि जो मैं कोर बता रहा हूँ, अब आप कोई और कोर यूज़ करेंगे तो उसका जो इंडक्टेंस है, ये जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ 33 माइक्रो हेनरी है, तो आप कोर मटेरियल चेंज हो जाएगा तो ये इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये 0.33 ही लगाएंगे। लेकिन हो सकता है आपका ये चेंज हो गया हो तो 0.22 से मैच कर जाए, या 0.45 से मैच कर जाए, या डबल लगा दें तो 0.66 हो जाएगा, उससे मैच कर जाए। तो आपको इतना कष्ट तो करना ही पड़ेगा, अगर क्लास डी एम्पलीफायर बनाना है आपको तो ये आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, वरना आप क्लास डी एम्पलीफायर बनाने में कामयाबी आपको नहीं मिलने वाली, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ। तो इतना कष्ट तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें बहुत ही कॉयल जो है, ये आउटपुट में जो कॉयल है ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर ये आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपका क्लास डी एम्पलीफायर सही काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ जानकारी मिली हो और आपको कुछ सीखने को आज मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।